गाइस वेलकम टू बैक इन माय अंदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो ठीक तो होंगे आप लोग। तो जी गाइस आज हाजिर हैं टोयोटा गेटवे मोटर्स के ऊपर और एक नए व्लॉग के साथ। तो जी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS, जिसका आप सबको इंतज़ार था। और टोयोटा तो वैसे भी हर किसी की फेवरेट गाड़ी है, क्योंकि आप हर जगह देखते हैं, गली मोहल्लों में, अपने घरों में, हर जगह होती है। तो ये एक ऐसा ब्रांड है टोयोटा जो हर किसी के पास होता है। और टोयोटा ने ही एक फॉर्च्यूनर में और एक रेवो में एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसको कहते हैं GRS। GRS जैसे नाम से ही लग रहा है कि काफ़ी ही यूनिक मॉडल है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या खसूसियात हैं। तो GRS जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, जैसे कि आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, ये एक नाम इन्होंने एहतजाज किया है गैसोन रेसिंग के नाम से, जो कि जापान में सबसे जो एक रेसिंग होती है जापान में, सबसे बड़ी रेसिंग है, जिसको जापान में कहा जाता है गैसोन रेसिंग, उसके नाम से ये गाड़ी इन्होंने लॉन्च की है GR स्पोर्ट्स। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि आपको देखने में लग रहा होगा कि यार ये तो बिल्कुल ही फॉर्च्यूनर जो है लेजेंडर या सिग्मा की तरह बिल्कुल आपको दिख रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो स्पीड है और जो स्पोर्ट्स पावर है वो लेजेंडर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी जो स्पीड इकोसिस्टम नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरह काम करती है। तो लेट्स गो, आज आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं और इसकी बाकी चीज़ें बताते हैं इसके अंदर चेंजिंग्स जो है वो क्या क्या है। तो चलिए इसका अंदर इंटीरियर चेक करते हैं और इंटीरियर देखते हैं। बड़ा ही अजब किस्म का इंटीरियर है यार जी। तो आज इसके डोर की तरफ आए तो डोर में अगर आप देखते हैं कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट सिंपल इन्होंने एक रेड स्ट्रिप दी है, जो आप देख सकते हैं जो इसकी इंटीरियर को, दरवाजे की खसूसियात को नुमाया किरदार से आगाह कर रही है। अदर जी आ जाए तो इसके स्टीयरिंग में आप देखते हैं तो हर जगह एक रेड कलर की स्ट्रिप देख रहे हैं। और ये GR का लोगो तो माशाल्लाह क्या कहने हैं इसके यार। और सीट्स की अगर आप बात करते हैं तो ये सीट्स जब आप चेक करें, प्योर लेदर की इसकी जो सीट्स हैं, वेलवेट डिज़ाइन में इन्होंने सीट्स निकाली हैं और इसके ऊपर इन्होंने GR का लोगो भी मेंशन किया है। और साथ साथ आप देख सकते हैं तो बिल्कुल ही स्पोर्ट कलर की, जैसे कि लैम्बोर्गिनी या बुगाटी वगैरह में जो होती हैं सीट्स, वो सीट्स इसमें लेकर आए हैं। और आप चेक करते हैं इसका इंटीरियर अगर चेक करें तो उसमें इन्होंने लेजेंडर से जो इसकी एंड्रॉयड स्क्रीन है वो चेंज की है, थोड़ा सा कंसोल जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह है। और बाकी अगर आप इसका ये डिजिटल मीटर वगैरह देखें तो उसमें इन्होंने जो मीटर्स की जो सुई वगैरह है उनमें बिल्कुल रेड कलर की जो स्ट्रिप्स आ रही हैं, लाइट्स आ रही हैं, वो तो गजब सिस्टम लग रहा है भाई इसका। लग रहा है कि बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड जो है इन्होंने गाड़ी में ले गए हैं। हाँ जी, तो अब इसके बाहर की तरफ आते हैं तो इसके जो टायर आपको दिखाऊँ तो टायर में अगर आप देख सकते हैं इसका जो रिम्स आप देख रहे हैं, अलॉय रिम्स जो है प्योर ब्लैक पियानो कलर के अंदर उन्होंने लेकर आए हैं, एक स्पोर्ट लुक दी है। साथ में अंदर आप देख सकते हैं एक इन्होंने जिसके जो ब्रेक पैडल्स के ऊपर इन्होंने शू रखे हैं वो बिल्कुल GR का एक स्पोर्ट की लुक दी है, एक स्पोर्ट शेप में लेकर आए हैं। और इसके शॉक्स वगैरह, सस्पेंशन वगैरह जो है बहुत ही गजब सिस्टम का है, क्योंकि स्पोर्ट गाड़ी में नहीं है, स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो ज़्यादातर जब आप उसको भगाते हैं जितनी स्पीड में उसका सस्पेंशन और शॉक्स उतने मज़े के होंगे तो आपको भगाने का भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं, टोयोटा ने इसी तरह की एक और गाड़ी भी लॉन्च की है जो GR नहीं है, बट तो जी इसमें एक और फ्रंट के अंदर जो बहुत ही बेहतरीन कलर की जो चेंजिंग की है वो इंडिकेटर्स की चेंजिंग की है। आप देख सकते हैं बम्पर में बिल्कुल लास्ट में लोअर में इन्होंने ये इंडिकेटर्स जो हैं दिए हैं, जबकि पहले लेजेंडर में बिल्कुल लाइट्स में ऊपर करके थे। और ये आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये जो है एक GR की स्पोर्ट की और एक बेहतरी है, एक नुमाया किरदार जो है वो देती है। यह लैंड क्रूजर में हमारे आता है और ये भी आम लोगों नहीं है, जैसे कि पहले लेजेंडर में बिल्कुल एक स्टील का आता था बना हुआ, एक क्रोम का आता था, बट अब प्रॉपर इन्होंने क्रोम में एक प्रॉपर मेटल में एम्बेडेड लोगो जो है वो लेकर आए, जिसको एम्बलम भी कहा जाता है। कहते हैं फॉर्च्यूनर की अगर आप बैक देखें इसकी जो टेल लाइट देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है लेजेंडर की तरह है, बट टेल लाइट जो है एक बहुत ही यूनिक एक अंदाज में है, जबकि गाड़ी आपकी एक ब्लैक रात को जब गाड़ी जा रही होती है सड़क के ऊपर तो ये टेल लाइट जो है बहुत ही ऑसम, बहुत ही गजब लगती है। सेकेंडली अगर आप इसे आते हैं तो ये फॉर्च्यूनर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बिल्कुल पियानो ब्लैक के अंदर, ये भी एक नई जो है GR में चेंजिंग की है और बहुत ही यूनिक है। बाकी आप देख सकते हैं इसका बम्पर के नीचे पैनल स्कर्ट देख सकते हैं आप, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, ये इन्होंने बहुत चेंज किया, पहले बिल्कुल प्लेन में था, अब थोड़ा सा डिज़ाइन में जो है इसको लेकर आएंगे। तो जी ये हमारी गाड़ी है फॉर्च्यूनर GR, जो आप लोगों को कैसी लगी तो मज़ीद मुझे जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी गाड़ी ये पसंद आई है और मज़ीद अगर इसी तरह की मज़ीद मज़े मज़ेदार चीज़ें देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे चैनल का नाम Jani001 के नाम से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और GR के मॉडल के साथ, जो कि एक और इंटोटा ने ही लॉन्च किया है, उसमें मिलेंगे ज़रूर, और वो भी लाइक शेयर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।